अखिल भारतीय उड़िया समाज के बैनर तले समाज के लोगों द्वारा नवाखाई पर्व में अवकाश व जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपे। अखिल भारतीय उड़िया समाज के बैनर तले समाज के पदाधिकारियों व युवाओं ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम उड़िया समाज का मुख्य पर्व नवाखाई व जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें वे अपनी दो सूत्री मांग को लेकर विगत 20 वर्षों से उड़िया समाज मांग भी कर रहे हैं। ज्ञापन देने पहुंचे समाज के सदस्यों ने बताया कि जिस तरह सभी समाज के पर्व पर सरकारी छुट्टियां दी जाती है, उसी प्रकार उड़िया समाज का मुख्य पर्व नवाखाई है, जिसमें कोई छुट्टी नहीं होने के कारण हम सभी कभी भी एक साथ अपना त्योहार नहीं मना पाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश की भाजपा व कांग्रेस की सरकार से लगातार इस मांग को समाज के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। साथ ही ज्ञापन देने पहुंचे युवाओं ने भी अपनी पीड़ा बताई कि हमारे जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण हो चुका है, लेकिन वो अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है, ना ही उसका एक प्रकार से हमारे पास डॉक्यूमेंट आया, दस्तावेज आया। हम दस्तावेज के हिसाब से हम आगे कुछ काम करेंगे। तो ये हमारी जो चीज़ है सरलीकरण की मांगे हैं, जो इसको हमारे पास तक पहुँचा है, तब तो हम समझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। युवा ये चाहते हैं कि जैसे कि कोई सरकारी जॉब करना चाहते हैं या किसी चीज़ में हम लोग को आगे बढ़ना है, तो हमको हर जगह रोक दिया जाता है कि तुम्हारे पास जाति सर्टिफिकेट नहीं है। और जब हम लोग कभी कोर्ट आते हैं या कलेक्टर आते हैं, तो हमको बोला जाता है कि रिकॉर्ड लो 50 साल का, लेकिन हमारे कुछ दादा पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, तो हम कहाँ से लाएंगे रिकॉर्ड। और हमारे पास ज़मीन नहीं है खुद की, हम लोग अपने अवैध मतलब झोपड़ी बना के रहते हैं, सर्वेंट रूम में रहते हैं, बहुत तकलीफ़ होता है हम लोगों को। तो हम लोग यही चाहते हैं पूरे सरकार से कि हमारी मांग पूरा करे और हम जैसे गरीब बच्चों को आगे बढ़ने में सहायता करें और हमारे कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में हमको मदद करें। भाई ऐसा चीज़ है कि हमारा उड़िया समाज के पर्व है, ये पर्व हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये धूमधाम से हम लोग इसलिए नहीं मना पाते कि हमको छुट्टी नहीं मिलता है, इसलिए छुट्टी नहीं मिलता है कि हमारे लोग पूरे बाहर काम करते हैं और यहाँ भी काम करते हैं, हमारे लोग एक साथ बैठ के हम लोग भोज खा नहीं पाते क्योंकि सबको छुट्टी नहीं मिलता है। हमको ये मांग है, हमारी ये मांग है कि हमको छुट्टी दिया जाए। आज हम कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं, जो 50 साल का रिकॉर्ड जाति सर्टिफिकेट का था, उत्कल समाज के तरफ से हम लोग सब आवेदन के लिए आए हैं। कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात भी हुआ है, कलेक्टर महोदय जी ने कहा है कि जाति का तो हो चुका है सरलीकरण, लेकिन अभी जाति सर्टिफिकेट बनना चालू नहीं हुआ है। हम इस विषय को कांग्रेस की सरकार तक का ले जाके और पहुंचाना चाहते हैं कि जो जाति सर्टिफिकेट का भी समीक्षा बैठक में उन्होंने पारित किया था, तो उसको लागू कब करेंगे, और क्या बोलते हैं 50 साल का जो रिकॉर्ड है उस 50 साल के रिकॉर्ड को खारिज किया जाए, क्योंकि हमारे उत्कल समाज से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेल विभाग में जुड़े हुए हैं, और जब खेल के लिए वो बाहर की ओर जाते हैं तो उनको जाति सर्टिफिकेट की वजह से अपना पाँव पीछे की ओर करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जाति सर्टिफिकेट यहाँ से बने, और क्या बोलते हैं इसमें जो भी अगर होता है, इसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है वो हमको पूरा उल्लेख करके बताएं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। 50 साल का रिकॉर्ड जो है हमको यहाँ से हटा दिया जाए। और जो हमारा नवाखाई का त्यौहार पर्व बोलते हैं, जैसे हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं, वैसे उत्कल समाज के व्यक्ति लोग जब धान बोते हैं खेत में, नया जब फसल होता है, नया फसल होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे कुल की देवी को चढ़ाया जाता है, तो वो हमारा नवाखाई पर्व होता है। तो उस पर्व में जब हर जाति हर धर्म के लोगों को अवकाश मिलता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे उत्कल समाज को भी एक दिन का अवकाश दिया जाए और इसको सरकार पूरी तरीके से पारित किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।